हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 9 का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कह क्या रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी और सी के बायसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें साबित करना है कि उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है बी ओ सी, उसकी वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ होगा। ठीक है, चलिए पिक्चर में समझते हैं हमें। जैसे मान लो ये ट्रायंगल एबीसी लिया है, ठीक है, और हमसे पूछ बोल रहा है कि बायसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी। देखो ये मान लो मैं एंगल बी का बायसेक्टर ड्रॉ किया है और ये एंगल सी का बायसेक्टर ड्रॉ किया है, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, ओ पे। ओके, जैसे मान लो कि अगर मैं ये पूरा एंगल को बी, यहां पर ये बी है मान लीजिए, तो हम अगर इसको एक्स मानेंगे तो ये भी क्या होगा एक्स, ये अगर हम वाई मानेंगे तो ये भी एंगल क्या होगा वाई। ठीक है, और चलो ये एंगल ए है। अब हमें क्या साबित करना है, ये तो दिया हुआ था कंडीशन, और साबित करना है कि एंगल बी ओ सी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में मान लेंगे लेट बायसेक्टर ऑफ लेट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर द बायसेक्टर एंगल्स ऑफ बी एंड सी। ठीक है ना, एक्स जो है देखो बी का बायसेक्टर है एंड वाई जो है वो सी का बायसेक्टर है। तो नाउ अब क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल एबीसी में कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर देखो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए को तो हम ए रहने देंगे, बी को देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स 2x लिख सकते हैं, सी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस वाई 2y लिख सकते हैं, बराबर 180। तो आप इसको 2x प्लस 2y बराबर क्या लिखोगे, 180 माइनस एंगल ए। ओके, यहां से देखो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस एंगल क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद देखो यहाँ पे हम x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 180 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको 180 बाय 2 माइनस एंगल ए अपॉन 2 लिख सकते हो। तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई जो हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल बीओसी में। नाउ इन ट्रायंगल बीओसी, बच्चों देखो ट्रायंगल बीओसी में भी एंगल एक्स बीओसी और वाई का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल ओसीबी बराबर 180 डिग्री। तो देखो ओबीसी को हमने क्या मान के रखा है, एक्स, बीओसी नहीं हमने कुछ माना है, और OCB देखो हमने Y माना है, बराबर 180 डिग्री। तो X प्लस वाई जो हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस एंगल BOC होगा। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों X प्लस वाई का वैल्यू है, तो ये दोनों का राइट साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 90 माइनस एंगल A अपॉन 2 बराबर 180 माइनस एंगल BOC। अब हम क्या करेंगे, BOC को हम क्या करते हैं, राइट से उठा के लेफ्ट में ले जाते हैं, और ये लेफ्ट से उठा के राइट में। तो देखो क्या होगा, BOC इधर आया तो प्लस हो गया, ये 180, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो 90 माइनस हो जाएगा, और माइनस ए बाय 2 प्लस हो जाएगा एंगल ए अपॉन 2। देयरफॉर एंगल BOC जो हो गया वो देखो 180 में ऐसे 90 गया तो 90 प्लस एंगल ए बाय 2। तो यही हमें क्या करना था, साबित करना था। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।